मौजूदा स्वास्थ्य परेशानी से निपटने के लिए विपक्षी दल कांग्रेस ने जहां मोदी सरकार को कई तरह के सुझाव दिए हैं, तो वहीं जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है उन उपायों को उन प्रदेशों में अमल में भी लाया गया है, जिसके चलते आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस शासित राज्य के मुरीद बन गए हैं। तो किस राज्य सरकार की तारीफ में पीएम मोदी ने कसीदे पढ़े हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। देश में जारी स्वास्थ्य परेशानी के मद्देनजर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। इस बैठक में कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान ने मुसीबत से निपटने के मामले में जो कदम उठाए हैं उनकी चर्चा भी की गई है। जी हां, राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार ने कई बेहतर कदम उठाए हैं, जिसके चलते इस मुश्किल दौर में राजस्थान ने एक मॉडल राज्य के तौर पर अपनी पहचान बनाई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई अहम फैसले भी लिए हैं। इसी का नतीजा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्री की बैठक में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के काम की सराहना की और कहा कि राजस्थान सरकार से दूसरे राज्यों को भी सीखना चाहिए। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों को संबोधित करते हुए कहा, रिफॉर्म्स करने की दिशा में राज्यों को आगे आने की जरूरत है। पीएम ने कहा, इस मुसीबत का मुकाबला करने के लिए अशोक गहलोत जी को बधाई देना चाहता हूं। अशोक गहलोत जी ने कई इनिशिएटिव लिए हैं, इसमें कामगारों के काम की समय सीमा में बढ़ोतरी की है, जिसकी आलोचना भी हुई होगी, लेकिन राजस्थान ने अन्य राज्यों को नई दिशा दिखाई है जिसे सभी राज्यों को भी अनुसरण करना चाहिए। आपको बता दें, राजस्थान सरकार ने एक निर्णय लिया था कि जिन फैक्ट्रियों में कामगार काम कर रहे हैं वो फैक्ट्री में ही रहेंगे और 8 घंटे की बजाय 12 घंटे काम करेंगे। कामगारों के काम की अवधि बढ़ाने से वो अपने कामों में व्यस्त भी रहेंगे और इससे जो कामगारों की कमी है वो भी पूरी हो जाएगी। गहलोत सरकार ने ऐसे ही कई और फैसले लिए हैं, जिसके चलते आज प्रधानमंत्री मोदी भी उनकी तारीफ करने से खुद को नहीं रोक पाए और दूसरे राज्यों को भी उनसे सीख लेने की बात तक कह डाली। डीबी लाइव की रिपोर्ट।